इन्होंने स्टेट अवार्ड भी लिया हुआ है हिलाल सर ने, और आयाज सर ने नेशनल आईसीटी अवार्ड भी मिला हुआ है इन्हें। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या आप सभी मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ जी हिलाल सर, सुन पा रहे हैं? हाँ, क्लियर आ रही है सर आवाज? क्लियर है। ओके ओके, क्योंकि मेरा जो है कंप्यूटर पे इस वक्त इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो मैं अपने मोबाइल से इस वक्त आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं सबका इस प्रोग्राम में तहे दिल से वेलकम करता हूँ, सारे रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं हमारे इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारी बात आप लोगों के सामने आ चुकी है, और मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूंगा, ना कि किसी चीज को रिपीट करना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी स्टेट जो है, हमारी स्टेट जेएंडके की स्टेट, यहाँ पे जिस तरीके से आईएसटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिला है ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, इस तरह से शायद ही कुछ स्टेट्स को हो सकता है, कुछ साउथ की कुछ स्टेट्स को इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हो और इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मिला हो, तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। लेकिन हम लोग आईएसटी के मामले में अभी भी बहुत पीछे है, इस लिहाज से कि हमारा प्लेटफॉर्म भी है जम्मू कश्मीर नॉलेज नेटवर्क का, और मैं कहता हूं कि जो हार्डवेयर हमारा है, जो स्मार्ट क्लासरूम्स का जो कायम किया गया हमारी स्टेट में, और जिस तरीके से नॉलेज नेटवर्क को कायम किया गया, मैं कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से और किसी स्टेट में नहीं है। लेकिन अब हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी हमारा काम जो है नेशनल लेवल पे नहीं दिख रहा है, और हम लोग जो हमारी जो एनसीईआरटी सीआईटी के जो कैरिकुलम है या उनका जो पैटर्न काम करने का, हम उस पैटर्न पे नहीं काम कर पाते हैं उसमें। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हमें टीचर्स का क्या चाहिए, टीचर्स की सपोर्ट चाहिए, और टीचर्स को एक्टिवेट होना है, और हर किसी टीचर को एक्टिवेट होना है। आज मेरे सामने बहुत सारे ऐसे टीचर्स ऑनलाइन है, तो मैं एक बात को रिपीट करना चाहूंगा, देखिए अगर हम लोग ये चीज नहीं सीखेंगे, मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए प्लीज, तो आप लोग देखिए कि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे क्लर्क बैठे हैं जो जब कंप्यूटर्स आए, टेक्नोलॉजी आए, तो उस टेक्नोलॉजी को कुछ क्लर्क्स ने नहीं सीखा, तो आज उनका हाल क्या है, आज उनका हाल यह है कि वो आजकल डिपार्टमेंट में इरेलीवेंट हो चुके हैं, और कहीं हम लोग भी कहीं इरेलीवेंट ना हो जाए अपने डिपार्टमेंट में अगर हम नई चीजों को सीखेंगे नहीं। हम लोग कहते हैं शेख की मकतब है एक इमारत घर, इसकी सनत है रूही इंसानी, हमारी जो हमारा जो काम है वो इंसानियत की, इंसानों की तामीर करनी है, हमें इस सोसाइटी के, इस समाज के फ्यूचर की तामीर करनी है, और वो तामीर करने हम लोग कहते हैं हमारे पास बेस्ट इंजीनियर होने चाहिए, हमारे पास बेस्ट डॉक्टर होने चाहिए, तो हमारे पास एक बेस्ट मुस्तकबिल होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है, इंजीनियर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है, नई चीजें सीखने की जरूरत है हर किसी को। हम कहते हैं डॉक्टर को अपडेट रहना चाहिए, नई नई चीजें आ रही है, तो सबसे ज्यादा अपडेट जिसको रहना चाहिए वो टीचर है, और टीचर को सबसे ज्यादा अपडेटेड रहना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए, हमें दुनिया में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में नई चीजें आ रही है उन चीजों को बल्कि अच्छी तरीके से हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम टेक्नोलॉजी को ना सीखे, हम नई चीजें जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में नई चीजें इंट्रोड्यूस की जाती है, अगर हम उनको नहीं सीखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम अपने स्टूडेंट्स को अपने अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, हम उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, वो कहेंगे हमें फेंक देंगे उस तरह से कि क्या फजूल बकवास कर रहे हैं या उनको पढ़ाना नहीं आता है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे साथ। हमारी जो आईएसटी है, हमें आईएसटी को सीखना है, और ये एक नई चीज है, और इस नई चीज को हमें अडॉप्ट करना है और अपने इसमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है, हमारे पास कंप्यूटर्स है, हमारे पास जम्मू कश्मीर नॉलेज नेटवर्क का इतना स्ट्रांग और ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म है, अगर हम फिर भी काम नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए बदकिस्मती होगी। मैं आज आप लोगों के सामने, क्योंकि अगर हम बहुत सारी टूल्स की बात की आयाज सर ने, और बहुत सारी टूल्स जैसे मैं आप लोगों को इस वक्त कोई किसी चीज के बारे में ट्रेनिंग नहीं दे सकता हूँ, 5 या 10 मिनट में कोई चीज सिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को जरूर बता सकता हूँ कि आप लोग देखिए
फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये चीजें सर्च कीजिए यूट्यूब पे गूगल पे कि हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, व्हाट आर द सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू टीच सोशल साइंस, टू टीच मैथमेटिक्स, टू टीच साइंस, जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आप उस चीज को क्या कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। और इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपको असेसमेंट में आईसीटी का इस्तेमाल करना है, आप एक काम कीजिए, आप लोग देखिए इंटरनेट को यूट्यूब को सर्च कीजिए हाउ टू यूज आईसीटी इन असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। आप देखिए हम लोग पिछली बार मैंने कुछ प्रोग्राम अपने स्कूल में भी करवाए और अपने डिस्ट्रिक्ट में भी, कहूत एक प्लेटफॉर्म है, वो आप लोग देखिए असेसमेंट में कितना मजा आ रहा है बच्चों को। आप लोग देखो, आप लोगों को रिपोर्ट कार्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को सारा का सारा जो पूरा डेटा है स्टूडेंट्स का, किसने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया, किसने कितने क्वेश्चंस का गलत जवाब दिया, किसके कितने पॉइंट्स मिल गए, आपको बाज़ाब्ता आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको वो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कहूत का एक अकाउंट खोलना है, आप लोगों को कहूत में एक क्वीज एक क्वेश्चन बैंक बनाना है, उसके बाद बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करना है। आप लोग देखो कि असेसमेंट में बच्चे कितने दिलचस्पी लेंगे। हमारे अभी बात हो रही थी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हमारे यहाँ हड़ताल होती है या कभी कर्फ्यू लग जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड करता हूँ और उनको शाम को अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देता हूँ। जिस बच्चे का मेरा लेक्चर मिस होता है वो शाम को जाके अपने घर में बैठे मेरा लेक्चर सुन सकता है, मेरा लेक्चर देख सकता है। मैं अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं ओपन सेंकोर को इस्तेमाल करता हूँ। आप लोगों को अभी अयाज सर ने बहुत सारी टूल्स का नाम बताया, आप उन टूल्स को, हमने खाली नाम बताया, कहूत, ओपन सेंकोर, स्क्रीन रिकॉर्डर, आप लोग देखो कितने कितने सॉफ्टवेयर है, जियो जबरा है और भी कितने सारे सॉफ्टवेयर है, वो डॉक्यूमेंट में बीच बीच में आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। आप उनको ले लीजिए, उनको सर्च कर लीजिए इंटरनेट पे, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। आजकल हमारी जो माँ बहनें घर में जो खाना पकाना सीखती है वो बहुत सारे काम का किससे सीखते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं। हम टीचर्स है, हमें एक कौम को तामीर करना है, हम लोग ऐसी चीजें सीखने के लिए क्या होने चाहिए, बेताब होने चाहिए, हम ऐसी चीजें सीखने के लिए क्या होने चाहिए, कोशा होने चाहिए, हम सर्च करने चाहिए, उधर इधर किसी के पास जाना पड़े, और ग्रुप्स बनाइए, पांच पांच दस दस स्कूल्स एक एक ग्रुप क्रिएट कीजिए। देखो हमें इसी तक महदूद नहीं रहना है कि हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड करते हैं, ऑनलाइन अब जूम पता है, क्लिक टू ज्वाइन और ज्वाइन हो गए। आईसीटी का जो मगज है वो स्कूल लेवल पे है, वो आप लोगों को अपने ई कंटेंट क्रिएट करना है। देखिए अब हम जब भी हम सर्च करते हैं, इंटरनेट को सर्च करते हैं, वहां पे हमें इंग्लिश में लेक्चर्स मिलते हैं, तो हम अपनी लोकल लैंग्वेजेस में कंटेंट क्रिएट करना है अपने फ्यूचर के लिए, वो हमारा असासा होगा, वो हमारा एसेट होगा। और अगर हम ये काम स्मार्ट क्लासरूम होते हुए, स्मार्ट बोर्ड होते हुए, इतने सॉफ्टवेयर्स होते हुए हम नहीं करेंगे, कौन डोगरी में करेगा, कौन कश्मीरी में करेगा, कौन उर्दू में करेगा, फिर तो हमें, हम लोग कहते हैं कि हम सब हिंदी बोलने चाहिए, हम सब कश्मीरी बोलने चाहिए, हम सब उर्दू बोलने चाहिए, हमें अपने लोकल लैंग्वेजेस को क्या देना चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लेकिन जब मेरा बच्चा सर्च करता है इंटरनेट को, उसको वहां से क्या मिलता है, इंग्लिश में लेक्चर्स मिलते हैं। तो अगर हमें अपनी जुबानों को बचाना है, अपने कल्चर को बचाना है, अपने फ्यूचर को बचाना है, तो हमें उठ के अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना है, हमें सॉफ्टवेयर सीखने हैं, बिल्कुल सिंपल से स्क्रीन रिकॉर्डर आप सीख लीजिए, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो हर किसी को आती है, आप लोग कम से कम इस चीज से स्टार्ट कीजिए। आप लोग बाद में देखिए कितने सारे चीजें आप खुद ब खुद सीखेंगे। हमने आईसीटी अवार्ड लिया है, मैं आईसीटी बैकग्राउंड का हूं, लेकिन मैक्सिमम जो टीचर्स हैं वो आईसीटी बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, वो साइंस पढ़ाने वाले होते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले होते हैं, और उनका कोई आईटी बैकग्राउंड नहीं होता है, वो आईसीटी के अवार्ड तक कैसे पहुंचते हैं, वो उनकी वही लगन होती है, वो कुछ नया करने की जो उनमें लगन होती है, चाहत होती है, वो होती है, वो उनको सिखाने पे मजबूर करती है। और वो जब वो सीखते हैं तो ऐसा सीखते हैं कि वो कुछ करके दिखाते हैं, और कुछ करने के बाद वो एक ऐसे मुकाम पा लेते हैं जिसकी बाकी लोग तमन्ना करते हैं। मैं आप सभी टीचर्स को कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर, पहले तो हम टीचर्स है, कितने सारे पीएचडी बैठे हैं, कितने सारे एमएससी बैठे हैं, कितने सारे एमफिल बैठे हैं, हमें खुदा ने टीचर बनाया, हमें अल्लाह ने ये तौफीक फरमाई, कौम के मेमार बन गए, कौम के ये बन गए, टीचर्स बन गए।
और उसके बाद हम लोग क्या, हमें इसके अलावा आईसीटी मिला। हमारे स्कूल्स में एक खुशकिस्मती है कि हमें स्मार्ट क्लासरूम्स मिले। हम लोग अपने काम, अगर आप में कोई टैलेंट है और आप उसको दूसरों तक मुंतकिल करना चाहते हो, तो आप लोगों के पास स्मार्ट क्लासरूम से अच्छी कोई और चीज हो ही नहीं सकती है कि आप अपने लेक्चर को, अपने आइडिया को, बाकी सब मेरा काम शायद ही नहीं दिखता। मैं आईटी बैकग्राउंड का था, लेकिन मुझे आईसीटी के बारे में, आईसीटी को हम कैसे एजुकेशन में इंप्लीमेंट करें इसके बारे में कोई पता नहीं। लेकिन स्मार्ट रूम आया, एक मुल्क सर ने हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दिया, हम उस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़े, हम लोगों ने नए नए प्रोग्राम शुरू कर। वरना अगर हम लोग बहुत सारी टीचर आए, मयूर सर गए, उसके बाद नहीं हो रहा है, तो हम लोग नहीं करते तो क्या होता, ये बैठ जाता। तो आज इतने सारे, अगर हम कम ज्यादा कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को एनकरेज कर रहे हैं करने के लिए। इसी तरीके से आप लोग क्या कीजिए, आप लोग 5-5, 10-10, 15-15 टीचर्स का, 15-15 स्कूल्स का क्या बनाइए, ग्रुप बनाइए। और नई नई एक्टिव, हम लोग कहां तक महदूद रहते हैं, हम नॉलेज नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से महीने में 4 या 5 प्रोग्राम करवा सकते हैं। लेकिन बाद में जो आईएसटी का यूजेज है, खाली ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड करने तक नहीं है, आप लोगों को अपने क्लास, देखो आईएसटी से हमारा काम बढ़ गया, हमें ई कंटेंट क्रिएट करना है, हमें मुअस्सर तरीके से अपने बच्चों को डिलीवर करना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से, वीडियोस की मदद से, एनिमेशंस की मदद से, और हमें उन लेक्चर्स को बाद में रिकॉर्ड करना है ताकि वो हमारे कोम का असासा बने, ताकि फ्यूचर और बाकी स्टूडेंट्स उसको इस्तेमाल कर सके। वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक आप लोग उठोगे नहीं। बाकी ये कोई मुश्किल बात नहीं है, कहूत, ओपन साइन कोर, आप लोग देखो कितने कितने सॉफ्टवेयर आजकल आ रहे हैं असेसमेंट के लिए, साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। अभी एक लिस्ट पड़ी हुई थी आप लोगों को, अयाज सर स्क्रीन शेयर कर रहे थे, आप लोग उठिए और उस तरह से उठिए कि जिस तरह से उठने का हक है। अगर आप लोग चाहते हो कि हम कोई तब्दीली लाए, अगर आप चाहते हो कि हम एक बदलाव लाए अपने सोसाइटी में, वो खाली कौन ला सकता है, टीचर ला सकता है। और आईसीटी के मदद से आप लोग बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं, ब्रिजिंग द गैप्स। और हम जो कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को आईसीटी की मदद से, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स तक पहुंच सकते हैं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी टीचर्स, अब नया सेशन आप लोगों का शुरू होने जा रहा है, और एक नए लगन के साथ, एक नए जोश और जज्बे और वलवले के साथ आप उठोगे और काम शुरू करोगे। आप लोग देखो, अगर हम 10-10 वीडियो एक एक टीचर यानी क्रिएट कर लेगा, अच्छा वीडियो, हमारा दीक्षा इस वक्त मांग रहा है वीडियो, सोशल साइंस का हमारी वीडियो नहीं है। हमारा दीक्षा का पोर्टल जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो QR कोड्स, क्विक रेस्पॉन्स कोड्स प्रिंट करके है हमारे टेक्स्ट बुक्स पे, लेकिन उनके लिए कंटेंट नहीं है। लेकिन कंटेंट कौन क्रिएट करता, वो टीचर्स क्रिएट करते जो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में वाले स्कूल्स में काम करते हैं। लेकिन हम लोग, हमारा सर शर्म से झुक जाता है जब दिल्ली से टीम आता है और वो कहते हैं कि कंटेंट क्रिएट नहीं हो रहा है सोशल साइंस में, हिंदी में, उर्दू में। और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सभी उठो और आप कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करो, और आईसीटी को उस तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो जिस तरह से इसको इंप्लीमेंट करने का हक है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त देर भी हो चुकी है, काफी देर से आप लोग सुन रहे हैं हमारे, बहुत सारे हमारे आया सर आए, जसविंदर सर आए, हमारे क्या कहते हैं विक्रांत सर आए। तो आप सभी से यही उम्मीद है कि आप लोग इस आईसीटी को इम्प्लीमेंट कीजिए ग्राउंड लेवल पे। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने मेरी बात सुनी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आईसीटी को हर महाज पे देखिए। मैं चलो, ये मोटिवेशन है, तो हम अवार्ड के लिए काम नहीं करते हैं, अवार्ड हमें खुदा ने दे दिया, तो वो हमें कभी सोचा भी नहीं था ये। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए अपॉर्चुनिटी है हमारी, हमारे स्कूल में, बाकी स्कूल में नहीं, कल हर कोई होगा। आप कुछ नया कीजिए। हम लोगों ने जो ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू कर दिए, मयूर सर ने किए, विक्रांत सर ने किए, वेबसाइट बनाए, आप कुछ नया कीजिए। आप इसमें कुछ नया आइडिया लेकर आ जाइए जिससे आप लोग आगे बढ़ सकते हो। कल को हो सकता है उस कॉन्सेप्ट पे, उस आइडिया पे, उस पे अगर कोई काम हो, आप उसका प्रूफ दे सके कि आपने इसका ये इम्पैक्ट पड़ा स्कूल में, आप लोगों को भी ऐसे अवार्ड मिल सकते हैं। तो शुक्रिया, शुक्रिया विक्रांत सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। मैं अनिल शर्मा, DNO ICT कैल लैब्स, डिस्ट्रिक्ट जम्मू। मैं हिलाल सर, अयाज रैना सर, विक्रांत सर और जसविंदर सर का थैंक्स करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा नॉलेज जो है कि
हमारे टीचर्स को दिया और हो सकता कि मैं अकेला इतनी सॉल्यूशंस आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता था। तो इसके बावजूद मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमें प्रॉब्लम्स लैब्स में हैं, बट वो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। हम एक सिंपल वेबकैम और स्पीकर की प्रॉब्लम की वजह से हम पूरी लैब को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। हमारे स्कूल्स में इतना फंड्स पड़ा हुआ है, कंप्यूटर फंड्स आपके पास है, अपने डीडीओज को मोटिवेट करें। जो डीडीओज यहाँ पे प्रेजेंट हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो लैब के लिए कुछ जो अमाउंट है वो यूटिलाइज करें, ताकि वेबकैम और स्पीकर जो की फैसिलिटी हम लैब को दे सके, उसे फुली फंक्शनल बना सके। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। हाँ हाँ सर। देखिए हम लोग कुछ देखो मैं सॉरी बहुत मुझे माफ करना। देखो कुछ मुझे गुस्सा आता है कभी, कुछ टीचर्स कहते हैं कि हमारे पास इंटरनेट ऑफिशियल इंटरनेट नहीं है। देखो इस दौर में इंटरनेट की बात करना और ये कहना कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है और हम टीचर्स जो 40,000 से ज्यादा पे लेते हैं, बाद में अगर हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं 300 का पैक हम डालते हैं अपने इसमें मोबाइल में, क्या होगा कि अगर हम 200 यानी 500 का पैक डालें किस चीज के लिए? स्टूडेंट्स के लिए। इससे कौन सा बड़ा इनकलाब आ जाएगा? और छोटी छोटी मसलों पे डीडीओस या कुछ यानी मैं कहता हूँ 100 रुपया 1,000 रुपया या 5,000 रुपयों के बदले में हमारी 1.5 लाख 6 लाख की लैब पड़ी हुई है, ये सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह हमें नहीं बख्शेगा जो इंसान इस चीज की कदर नहीं करेगा और जो इंसान यानी इन छोटे छोटे मसलों को अपनी लेवल पे जल्दी से हल नहीं करेगा, उसको अल्लाह नहीं बख्शेगा। क्योंकि इतने पैसे कौम के पैसे इन चीजों पे खर्च होते हैं, बाद में हमारी छोटी छोटी कोताहियों की वजह से हमारी लैब यानी डिफंग रहे, यह हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। हिलाल सर ने जो कहा बिल्कुल एकदम सही कहा है। मैक्सिमम प्रॉब्लम मुझे फील्ड से यही आती है कि सर हमारे स्कूल में वेबकैम नहीं है, सर स्पीकर नहीं है। सिर्फ वेबकैम और स्पीकर की वजह से आप पूरी की पूरी लैब को बंद रखते हैं 2-2 महीने के लिए, और यूपीएस को आप प्रॉपरली चार्ज नहीं करते, डिवाइसेस को आप प्रॉपरली हैंडल नहीं करते हो लैब्स में, मेन प्रॉब्लम्स हमें वहां पे आती हैं। लैब को आप ऐसे यूटिलाइज करो जैसे आपके घर का सामान हो। अगर हमारे घर का सामान है हम प्रॉपरली उसे बंद करते जाते हैं, शट डाउन करते हैं, बट अगर लैब का कंप्यूटर है हम उसे प्रॉपरली शट डाउन नहीं करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान देना है, और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम एटलीस्ट मेरे तक पहुंचाइए और उनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। तो इसके साथ ही मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं सभी टीचर से यही उम्मीद करता हूँ कि मुझे एटलीस्ट वेब कैम और स्पीकर के नाम पे प्रॉब्लम्स ना आए कि सर इस वजह से हमारी लैब डिफंक्ट हो रही। अनिल सर मैं यहाँ एक बात ऐड करूंगा कि जब से मेरे यहाँ आईसीटी लैब इंस्टॉल हुई है ना, 3 साल से मंथली 1,000 रुपया मैं अपनी पॉकेट से पे करता हूँ नेट का। मैंने कभी स्कूल को नहीं बोला, मैंने कभी अपने हेड को नहीं बोला कि मुझे नेट पैक चाहिए, ये करना वो करना। ये अपना एक शौक है मेरे अंदर। मैं अभी मेरे हाथ में ये कीबोर्ड आप देख रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी के अंदर आप देखिए कितनी तरक्की हुई है। ये फोल्डिंग कीबोर्ड है, ये मैं अपनी पॉकेट में लेके आता हूँ मैं ये इसको, और आने वाले दौर में आपको फोल्डिंग लैपटॉप मिलेगा। ये मेरा ये, और ये मैंने अपनी पॉकेट से बच्चों के लिए खरीदा है, उनको दिखाता हूँ जब मैं कुछ नहीं देखता हूँ, मैं उसको परचेज कर लेता हूँ। मेरे हाथ में अभी ये गूगल असिस्टेंट है, मैं इसको कोई भी मतलब क्वेश्चन करिए फौरी तौर पर आपको ये जवाब देगा। मैं अभी आपको ये चीज जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट मैं अभी आपको बताऊंगा। हे गूगल, व्हाट इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया? हे गूगल, हे गूगल, इंटरनेट छोड़, हे गूगल, नेम द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। इट्स कैपिटल इज न्यू दिल्ली। हे गूगल, कैन यू टेल मी व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया टुडे? द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 1.339 बिलियन इन 2017। ये है शो की बात। तो आप अपने पॉकेट से, एक बात और मैं यहाँ ऐड करूंगा, जब ये नाइलेट में ये प्रोजेक्ट लगा तो वहां पर हमें ये चीजें देखने को मिली। एक जम्मू डिवीजन से गालबन किश्तवाड़ के एक टीचर ने अपनी पॉकेट से सारी सैलरी इस्तेमाल करके अपने गांव में आईसीटी लैब बनाई है लोकल पब्लिक के लिए।
और वहां वो सर्व करता है, इवनिंग क्लासेस चलाता है, बच्चों को ट्रेन करता है आईसीटी में। और इसी तरीके से कश्मीर का भी एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर दो भाई, सके भाई, दोनों ने अपनी सैलरी डिनोट की और वहां लैब एस्टेब्लिश की, लोगों की खिदमत इस तरीके से भी वो लोग कर रहे हैं। तो हमें तो काफी अच्छा पैसा मिल रहा है हमें। और बाकी लोग जो अभी यहाँ कुछ होंगे कि हमारे यहाँ आईसीटी लैब नहीं है, आप एक लैपटॉप लेके, एक टैब लेके